गोपालगंज शहर के हजियापुर से लेकर बंजारी तक आम से खास तक के लिए नासूर बन चुका हाईवे का दिन अब जल्द ही सुधरने वाला है। लंबे समय से यहां लोगों द्वारा एनएच पर फ्लाई ओवर बनाने की मांग उठती रही है। आपको बता दें कि ईस्ट वेस्ट परियोजना के तहत निर्माणाधीन हजियापुर से बंजारी तक हाईवे गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है तथा दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन अब स्थानीय जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की सार्थक पहल पर लगभग 2750 मीटर लंबे फ्लाई ओवर बनाने का रास्ता साफ हो गया है और साथ ही इसके लिए एनएच के अधिकारियों ने 243 करोड़ रुपये का टेंडर भी निकाल दिया है। इनके लिए 2 तय किया गया है। इसके साथ ही पिछले 5 साल से फ्लाई ओवर की चली आ रही मांग अब पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। NH-28 का जो काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, अभी हाल में आपके द्वारा आवाज़ उठाया गया और बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि उस पर काम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? NH-28 आप तो देख रहे हैं कितनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। इसका सर्विस रोड या चाहे गोपालगंज का सर्विस रोड हो, बढ़िया का सर्विस रोड हो, मोहम्मदपुर का सर्विस रोड हो, सारा खराब पड़ा हुआ था। दो दो तीन तीन फुट तक गड्ढे हो चुके थे इसमें, और इसके अलावा डिवाइडर जितना था वो डिवाइडर जगह जगह टूटे हुए थे, जिसके चलते एक्सीडेंट की संख्या बहुत बढ़ते जा रही थी। मैंने सरकार से डिमांड किया, यहाँ लोकल स्तर पर प्रयास किया, सरकार से डिमांड करके, मंत्री जी से डिमांड करके पैसा यहाँ फंड मंगवाया और वो सर्विस लेन की मरम्मत हुई मोहम्मदपुर, बढ़िया और गोपालगंज। और अगला कदम था हम लोग को फ्लाई ओवर जो बंजारी से हजियापुर तक जाती है इसका निर्माण। इसमें मिला हमको आश्वासन कि 36 महीने के अंदर कोई इसको पूरी की जाएगी। इसमें 24-25 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब वो टेंडर की स्थिति में आ गया है। टेंडर जल्द होने वाला है, टेंडर जैसे होगा इसमें काम की शुरुआत की जाएगी, ऐसा मुझे आश्वासन भी मिला है। और डुमरिया पुल का जहाँ तक सवाल है, तो डुमरिया पुल में हम लोग का दुर्भाग्य है कि 4 बार टेंडर उसका किया गया NHAI के द्वारा, लेकिन एक भी टेंडर नहीं पड़ा। फिर अभी 5वीं दफ़ा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है और हेडक्वार्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अपने स्तर से उसमें पहल करके और इसका टेंडर कराया जाए ताकि ये